इसके संबंध में पिछले साल का यह प्रकरण है और इसमें इन्होंने धन दुगुना करने का झांसा देकर करीब 70-75 लाख रुपए ले लिए थे। अलग अलग वारदातों से इनके बारे में जो जानकारी आती है उसमें यह पार्टी को विश्वास में लेकर पैसा दुगुना करने के नाम पर कुछ पूजा पाठ का बहाना करते हुए इसमें 33 के अंदर जैसे जैसे इनसे 33 होगी पार्टी भी जो पीड़ित पक्ष है उनसे भी जो बातचीत होगी और अनुसंधान के द्वारा तय होगा कि कौन कौन इसके अंदर लिप्त है और ये पैसा किन किन के पास गया है, यह तो पूरे अनुसंधान से ही पता चल पाएगा। बाकी रामावतार गैरोटा का निवासी है, इसका दामाद संतोष ये धरणवास का है और राकेश जो संतोष का दोस्त है वह गैरोटा का ही है। ये तीनों ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अनुसंधान की प्रक्रिया के बाद में आपको सारा सारा बता दें। 15,000 रुपए का इनाम तो रामावतार पर है, 10,000 आईजीपी साहब की तरफ से, 5,000 मेरी तरफ से और संतोष और राकेश दोनों पर 1,000 रुपया एसपी दोसा की मेरी तरफ से इनाम घोषित किया गया। 10 लाख की बरामदगी, 10 लाख की इसमें बरामदगी भी की गई है जो कि नियमानुसार उसका निर्धारण होगा।